धर्मनगरी वृंदावन में 16 फरवरी से आयोजित होने वाले कुंभ मेला को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जहां मेला क्षेत्र में तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं, वहीं कुंभ मेला को लेकर जिला संयुक्त चिकित्सालय में तैयारियों एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए DM नवनीत चहल गुरुवार को चिकित्सालय पहुँचे, जहाँ उन्होंने मेला की तैयारियों के साथ ही सफाई एवं चिकित्सा व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने व्यवस्थाओं और अधिक बेहतर बनाने के लिए अस्पताल प्रशासन को सुझाव दिए। DM ने बताया कि अस्पताल में व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं। वहीं अस्पताल में स्टाफ की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्टाफ की कमी को पूरा कराने के लिए शासन को पत्र लिखा जा रहा है। आज जिला संयुक्त चिकित्सालय सौशैया का जो वृंदावन में है उसका निरीक्षण किया गया। यहाँ पर जो वार्ड्स हैं, जनरल वार्ड्स जो हैं, OPD की व्यवस्था, आयुष्मान के लाभार्थियों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है, यहाँ के पेशेंट्स को पर्याप्त और समुचित इलाज की सुविधा उपलब्ध हो रही है कि नहीं, साफ़ सफाई इत्यादि की का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही साथ आने वाले आगामी जो 16 फरवरी के बाद में संत समागम होने का यहाँ पर वृंदावन के समीप एक योजना है, तो उसके संबंध में भी इस हॉस्पिटल को एक नोडल हॉस्पिटल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो संत समागम के दौरान जो हमारे पेशेंट्स आएंगे या इमरजेंसी केसेस आने के भी केसेस हो सकते हैं, तो उस संबंध में जो जो तैयारियां हैं उनकी भी समीक्षा की गई, उनको भी चेक किया गया। कोविड के पेशेंट्स अगर बाई चांस यहाँ पर सस्पेक्टेड केसेस आते हैं तो उनके लिए होल्डिंग एरिया या आइसोलेशन करने के लिए किस स्थान को चयनित किया गया है उसके संबंध में भी विचार विमर्श किया गया, चर्चा की गई। तो विभिन्न रूप से इस समय पर हॉस्पिटल की कैसी क्षमता है, किस प्रकार से कार्य चल रहा है और साथ ही साथ आगामी जो संत समागम के लिए क्योंकि इस हॉस्पिटल को चयनित किया है तो किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था इस समय है और आगे के लिए क्या प्लान है उसका आज निरीक्षण में एक चेक किया गया था। क्या पाया गया? साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो इस समय पर सेटिस्फैक्ट्री है। पेशेंट्स के साथ वार्ता की गई, जो हमारे जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी हैं उनके साथ भी, सर्जरी वार्ड्स में भी जो हमारे लाभार्थी हैं उनके साथ भी, तो सभी ने संतुष्टि जाहिर की गई। किसी ने ये नहीं कहा कि बाहर की दवाएं किसी को देनी पड़ी हो या कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई खर्चा उनके द्वारा किया गया हो। निःशुल्क यहाँ पर चिकित्सा हो रही है और खाने पीने की व्यवस्था भी सभी ने समुचित और सेटिस्फैक्ट्री बताई। इसका लगातार निरीक्षण होता रहेगा और जो सुझाव हैं वो हमने किस प्रकार से और इम्प्रूव किए जा सकती है यहाँ की मैनेजमेंट और रोगियों के लिए सुविधाएं, उसके बारे में सजेशंस भी हमने डॉक्टर साहिबान को दिए हैं, तो उनका अनुपालन वो करेंगे। देखा गया सर, यहाँ पे काफ़ी स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की भी कमी है यहाँ पर, और अब आगे कुंभ मेला भी आने वाला है तो उसकी दृष्टि से भी यहाँ पर राइट। तो जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी यहाँ पर इस अस्पताल में कुछ कमी है और आगे आने वाले जो लगभग 1.5 महीने का संत समागम का आयोजन रहेगा उस दौरान हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की आवश्यकता रहेगी, तो उस संबंध में भी पत्राचार शासन में किया है और यहाँ पर अतिरिक्त डॉक्टर्स की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित समय से करा ली जाएगी ताकि किसी भी प्रकार का स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी यहाँ ना रहे और इलाज की समुचित व्यवस्था समय से पहले ही हो जाए। कोविड वैक्सीनेशन परसों उसकी शुरुआत जनपद में होगी या सभी जगह पूरे प्रदेश में हो रही है, तो उसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जो हमारे वैक्सीनेटर्स हैं वो तैयार हैं, जो हमारे लाभार्थी हैं उनकी तैयारी है, जो हमारे कोविन ऐप के ऊपर अपडेशन का कार्य होना है वो भी पूरी तैयारी है, वैक्सीन भी हमारे पास पहुँच रही है और समस्त प्रकार की तैयारियाँ कर ली गई हैं। उसमें भी वेटिंग एरिया या फिर AEFI यानी कि टीकाकरण होने के बाद यदि कोई रिएक्शंस आते हैं तो उसका भी समुचित देखभाल करने के लिए एक सेपरेट एरिया और डॉक्टर्स की नियुक्ति सब जगह पर कर दी गई है, किसी प्रकार की समस्या 16 तारीख को नहीं रहेगी। सौसैया को बनाया गया वैक्सीनेशन का? हाँ जी, वैक्सीनेशन बनाने की सौसैया को भी लिया है क्या हॉस्पिटल को? विभिन्न हॉस्पिटल्स जनपद भर में वैक्सीनेशन के लिए लिए गए हैं, तो उसमें करंटली पहले फेज़ में 20 हॉस्पिटल्स जहां पर 50 सेशंस कराए जाएंगे उनको चयनित किया है और उसके बाद जैसे जैसे आगामी फेजेस में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा वहां पर और अधिक हॉस्पिटल्स को या और अधिक स्थानों को चयनित किया जाएगा।